हरिद्वार में श्री जाट महासभा के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में किसान नेता राकेश टिकैत ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज का युवा नशे की गिरफ्त में लगातार गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम समाज के लोगों से आह्वान करते हैं कि अपने बच्चों को नशे की लत से दूर रखें। इस क्रम में उन्होंने कहा कि बीजेपी की भ्रष्ट सरकार के साथ हम कदापि नहीं जाएंगे। भविष्य में अगर यह सरकार आई तो इस देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि अच्छी और सुलझी सरकार आए जिससे कि देश का भला हो सके। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। 2014 में साथ दिया था भारत को, हमें तो कोई फायदा इसमें लगा नहीं। हमने सबसे पहले खुल के इस भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, तो इवन इनका तो जो कर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो सुलह करेंगे, जो युवा है उनकी सुलह लेंगे, हम तो कुछ नहीं कहते। तुम्हें चाहे जिसकी मर्जी में अपनी वोट दे लो भाई, हम किसी पर दबाव नहीं बनाते, पर अच्छी सरकार चुनने चाहे जो देोगे। क्रिसमस या जो त्यौहार है वो सिर्फ इसलिए मनाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अवतार लिया इतने धरती के ऊपर, तो उन्होंने सिर्फ एक ही मैसेज सबको दिता कि शांति और भाईचारे का। अज जरा प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे ये जो प्रेयर मीटिंग रखी गई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस धरती के उत्ते पापियों गुनागारों बचाने वास्ते आया, क्योंकि इंसान इन्ना क पाप दे चले गया जदों खुदा ने देखा। असी इस काम दे विच बड़े ही पॉजिटिव हैं जी। जिहड़ा असी प्रोजेक्ट शुरू किया आने वाले कुछ महीनों के कोशिश रहेगी कि इस प्रोजेक्ट नूं कंप्लीट किया जाए, ताकि जिहड़ी इत्थे पहला एक पुरानी बिल्डिंग सीगी 1936 की बनी हुई,